उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड से दिल्ली तक नेताओं की दौड़ जारी है। उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी दिल्ली पहुंचे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र रावत भी राजधानी में मौजूद थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से त्रिवेंद्र रावत ने मुलाकात की है और कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक होगी। तो सरकार तो देखिए बन चुकी है, बीजेपी रिपीट कर चुकी है, मिथक टूट चुका है कि पार्टी रिपीट नहीं करती सत्ता में। लेकिन मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार थे या जिनकी अगुवाई में इलेक्शन फाइट किया था, वो खुद अपनी सीट खटीमा नहीं बचा पाए। ऐसे में कुर्सी ये जिम्मेदारी किसे दी जाए, इसको लेकर मंथन मंत्रणाओं का दौर जारी है। प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और उत्तराखंड के अंदर पहली बार मिथक टूटा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा है और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, क्योंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव के बाद के जो परिणाम आए हैं वो आए, उन सभी पर चर्चा है यहाँ पर। क्या कुछ रहने वाला है सीएम को लेकर के, क्या आज मोहर लग जाएगी बैठक में सीएम चेहरे को लेकर के? देखिए, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, केंद्रीय नेतृत्व उस पर तय करता है। सर, ये इंडिविजुअल मुलाकात है या सब अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और संतोष जी एक साथ आप लोग मिलेंगे? नहीं, बैठक है। देखिए, बैठक देखिए, जब कोई भी सरकार बनती है तो पार्टी के सीनियर लीडर से पार्टी के जो केवल तो दो यार बातचीत करता है, तो सामान्य जो एक वार्ता होती है शायद, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे 10:30 बुलाया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। बहुत सारे चेहरे हमारे पास, आप रेस में हैं, आप जो सुझाव देंगे उसको हम आगे बढ़ा देंगे, जो सुझाव आप लोग देंगे हम बढ़ा देंगे आगे। नहीं सर, आप 4 साल आपने सरकार बहुत अच्छे से चलाया, आपने 4 साल सरकार बहुत अच्छे से चलाया, तो आपकी चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, तो उसका 4 साल अच्छी सरकार चलाई तो जनता ने उसका फैसला दे दिया है। तो देखिए, बड़ी बात कह दी गई कि 4 साल अच्छी सरकार चलाई तभी जनता ने इसका फैसला दे दिया, यानी प्रचंड बहुमत जो मिला है, जो जीत मिली है, उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट लेते भी त्रिवेंद्र रावत नजर आए हैं। हालांकि क्या कुछ फैसला हाईकमान की ओर से लिया जाता है, इस पर नजर बनी हुई है, इस पर देशभर की निगाहें टिकी हुई है। हमारे संपादक नासिर कुरैशी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, मंथन का दौर जारी है, दिल्ली में कुछ ही देर में बेहद अहम बैठक होने वाली है अमित शाह के आवास पर, क्या लगता है कि आज पर्दा उठ जाएगा इस बात से कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री अब कौन? बिल्कुल ज्योति, पार्टी चाहेगी भी, बीजेपी चाहेगी भी कि जल्द से जल्द अब इस बात पर मोहर लग जाए। हालांकि जिस तरह से जिस दिन रिजल्ट आया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सीएम धामी आगे आए थे, उस वक्त ऐसा लोगों को महसूस हो रहा था कि एक बार फिर से बड़े आराम से मुख्यमंत्री धामी का ऐलान कर सकते हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी वो हैं कि बीजेपी एक बार फिर से उनका ऐलान कर सकती है। लेकिन पेच यहाँ पर फंसा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो चुनाव खुद हारे हैं, लेकिन उनकी कयादत में, उनके नेतृत्व में पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपने खुद जिक्र किया 11 बजे, अब बस थोड़ी बैठक लगभग शुरू हो चुकी है। ये बैठक गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर हो रही है और इस बैठक में कई बड़े नेता उत्तराखंड की राजनीति के मौजूद हैं, जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद है वहाँ पर, अजय बलूनी भी हैं, अजय भट्ट भी हैं, इसके अलावा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हैं, पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं, सतपाल महाराज वहां पर मौजूद हैं। अब यहां पर बहुत सी चीज़ें हैं जो बीजेपी इस पर सोच रही होगी कि अगर हम किसी सांसद को मौका देते हैं तो फिर एक उपचुनाव विधायक के लिए भी कराना होगा, एक उपचुनाव सांसद के लिए भी कराना होगा, ये भी एक कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आएंगी। और जो आपने जिक्र किया और हम सुन रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत कि उन्होंने कहा कि 4 साल अच्छा काम किया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इशारों में अपनी दावेदारी पेश कर दी कि मैं भी हूँ रेस में, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को अलग कर दूं या मुझको इग्नोर किया जाए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी कई बार इस तरह का फैसला भी लेती है कि वो चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन कई नाम हैं और उन नामों में से एक नाम ज़रूर कहीं ना कहीं सामने आएगा। और अगर हम इस बात पर गौर करें कि चुनाव हारे हैं खुद पुष्कर सिंह धामी, तो इसलिए उनको ये मौका नहीं मिलेगा, तो फिर हिमाचल का एक हमारे सामने एग्जाम्पल है, मिसाल है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि उस तरह की मिसालों पर ही काम किया जाए।
और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो चुनाव तो हारे हैं, लेकिन नेतृत्व में उनके में बीजेपी का एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर नजर आया और रिपीट हुई है सरकार जो अपने आप में उत्तराखंड में कभी होता नहीं है। वहां पर एक अलग परंपरा थी कि एक के बाद एक दूसरे लोगों को मौका मिलता था। इसके अलावा अजय बलूनी भी रेस में है, अजय भट्ट का भी नाम बहुत से लोग ले रहे हैं, सतपाल महाराज का नाम भी ले रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी तो हैं ही, त्रिवेंद्र रावत अपनी बात वो अपनी कह रहे थे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चौंकाने वाला फैसला भी हो जाए लेकिन उसकी गुंजाइश फिलहाल कम नजर आती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गुंजाइश कम नजर आती है, लेकिन त्रिवेंद्र रावत की ओर से जो कहा गया नासिर के नाम कई शामिल है रेस में, ऐसे में धामी के लिए बहुत आसान नहीं है राही कि उन्हें लगे कि उनके अगुवाई में इलेक्शन फाइट किया गया, क्योंकि अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है तो विपक्ष बार बार ये सवाल खड़े करता रहेगा कि व्यक्तिगत तौर पर सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर या मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी स्वीकार्यता नहीं थी तभी वो इलेक्शन हारे। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी वो बात करेंगे पार्टी जरूर जीती है लेकिन खुद हारे हैं, और विपक्ष इस बात को लेकर तंज भी करेगा और कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश भी करेगा, और ये एक मुद्दा उनको शुरुआत से ही मिल जाएगा। तो बीजेपी इस पर भी मंथन कर रही होगी और बहुत गहनता से मंथन हो रहा होगा कि ऐसा मौका विपक्ष को न दिया जाए कि हम जीते तो हैं लेकिन एक ऐसा मौका कि वो बार शुरुआत से ही मुख्यमंत्री पर हावी होने की कोशिश करें। इसके अलावा और भी जिस तरह की चीज़ें उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार मंथन हो रहा है, तो और दूसरा नाम भी कोई हो सकता है और पार्टी इसको पूरी तरह से देख भी रही होगी कि अब जो परंपरा खत्म हुई है उसको आगे भी हम बरकरार रखें कि बीजेपी रिपीट हुई है, आने वाला वक्त है, फिर अभी लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं 2024 में और अगले साल से उसकी भी एक तरीके से तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये भी बहुत अहम है जो आपने जो बात कही, ये भी ज़रूर इस बात पर भी बहुत ज़्यादा गौर फिक्र की जा रही होगी कि ऐसा भी मौका न दिया जाए विपक्ष को कि वो शुरुआत से ही हावी होने की कोशिश करें। लेकिन कई बार ये भी है कि बहुमत में है सरकार तो 5 साल आराम से सरकार चलेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया नासिर, ये तमाम बातचीत आपने की और क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, किस तरह से मंथन किया जा रहा है, इस पर आपने जानकारी दी है।